सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शर बलिदान भूल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलके दीर्घ शिवोवाच देवितं भक्त सर्वे सर्वकार्यभिधायने कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया त्वमेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तशलोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखवैहारणिकारधन्य सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके घोरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहांसि दुष्टा दृष्टानुकामान् सकलान्नमीष्टान् वामाश्रितानाविपन्नराणाम् वामाश्रितायाश्रयतां रयान्ति। सर्वभद्रा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरुवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी विनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दा स्वरूपिणि अनन्ता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षजज्ञाविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता
ब्रह्मी माहेश्वरी चंद्र कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाग्रे विमलोदकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्रे च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकस्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यती अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदयी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवधूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मभादिनी जारिदं रमणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयमस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयित्वया भक्त्या पठे नाम सदाश्रितं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्ञा स्वयमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण वीरक्षयन्द्रं विलिना विदज्ञो प्रहेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमाभास्यानिशामग्रे चन्द्रे चतुर्विशाङ्गदे विलक्ष्य प्रवढे स्तोत्रं सर्ववेत् सम्प्रदां प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आशीर्वाद देती हैं उन भक्तों का सब ओर से कल्याण करती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ
उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः मनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातरो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्ढिकायै मार्यकण्ठे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणम् जन्मकस्य चिदाख्यातं तन्मे द्रोहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गृह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी द्वितीयं चन्द्रघण्टेति कुशमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विष्णुमे दुर्गमे चैव भरातः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा बाराहि महिषासना इन्द्रियगजस्मारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विकारूढा कौमारी शिशुवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः वेश्यन्देरथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिरलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिष्ठं देवानां दहिताय वे नमस्तस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्टेक्षे शत्रुनामयवर्धने राजं रक्षतु मामेन्द्रे अग्निरामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराहि नैरृत्यं खड्गधारिणि रदीच्यां वारुणी रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदीच्यां वातु कौमारी एषाणां शूलधारिणि अरुतं ब्रह्माणि मे रक्ष ततस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जय मे चक्रता पातु विजया पातु वृषिता हरिता वाम पार्श्वे तु चक्षुणे चापराजिता शिखामद्योतने रक्ष उमामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च प्रभो रक्ष दुशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रमोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्ध्वारवासने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका
अदरे चमृत कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे शुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनोधरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकाण्डलकोमरी स्कन्धयो खड्गनि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयो दण्डनि रक्ष कम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशुलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि सनो रक्षन् महादेवि मनः शोकविनाशिनि हृदय ललिता देवि उदरे शूलधारिणि नाभाचकामणि रक्ष गुह्यां गुह्येश्वरि तथा भूतनाकामिकामेदं हृदय महिषवाहिनि कन्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे सुदेयसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनि नकान्दस्वाकराले च केशाञ्जेवर्धकेशिनि रोमगोपेषु कौवेले त्वजं वागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामास न्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रेश पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्ज्वाला भवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणि प्राणबाणो तथा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभण रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वर्षे च जोगणि सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्ष नारायणी सदा आयु रक्षतु भाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवि यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रविन्ध्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके गोत्रालक्ष महालक्ष्मीर्भार्यं रक्षतु भैरवि पन्थानां सुभदा रक्षन् मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतःस्तुता रक्ष हेमणं द्वयस्थानं वर्षितं गमतेन तु तव सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जदिच्छेषु आत्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चित परमेश्वरे मतुलं प्रार्थते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः हे लोके तु भवे पूज्याय कवचेनाभितः भवान् इदं तु देव्यः कवचं देवानाम दुर्लभम् जापणे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवे द्वर्षशतं साग्र अपमृत्युमिवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलाः केचरा चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजाङ्गुलया माला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षाचरा गौरा डाकनिरक्ष महाबला यः भूतविराचक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेदालः कुष्माण्डावैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्कृते मानो निजभुवेदाज्ञ तेजो वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जगत्सप्तशतिं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशलावनकाननम् तावदिष्टति मे जन्यां सन्ततिः पुत्रगोत्रिके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरविदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन समाधते अथर्गलस्तोत्रम् ॐ
अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्ठिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तुते मधुकैटव विद्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि शुम्भसेवनि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य वर्धनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि पण्डिताङ्ग्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि अचिन्त्यरूपचरते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि नरेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्तापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सुमध्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सर्वं जयत्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि परमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सुरासुरशिरोरत्नानि क्लिष्टचरणयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि कृष्णेण संसुते देवि चक्रभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि इन्द्राणीपति सदभाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोत्सवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या परमापनोति सम्प्रदाम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयकार्तिक निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्यानीयान् मन्त्रानाम विकीलकम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्धम् सुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कादिमामः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तम् चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथावी नियन्त्रणा सोऽभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशय कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यम् वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलाम् विधायीनाम् नित्यम् यमति संस्फुटम् स सिद्धः सागणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवापरसहस्य वयम् क्वाभिह जायते नापमृत्युपशम् जाति मृतो मोक्षोऽवाप्नुयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते हृदेः सौभाग्याय यदि किञ्चित् दृश्यते लवणायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेषु जाप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोक्षः श्रूयते सा न किम् गणैः ओ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे हरि गिरिनन्दनि नन्दिरमेदिनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वादनि विश्वविनादनि विष्णुते भगवति हेतुकण्ठकुटुम्बनि पूरकुटुम्बनि पूरकृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि नन्दकवरदनि सरसुते सुरवरवरदनि दुर्वरदर्शनि दुर्मुखवरदनि हरचरते त्रिभुवन पोषणि शङ्करदोषणि दिलविषपोषणि गोचरते तनुजनि रोषणि दुतिसुत रोषणि दुर्मध शोषणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषा दुर्मर्दनि रम्भकपर्दनि चरसुते हरि जगदम्बम शिखरि शिरोमणि तुङ्गनि मालय शङ्करि जालय मध्यगते मधु मधुरे मधुते तव गन्धनि जेतव वन्दनि रादरते जय जय हे हरिदासुरवर्धनि रम्भकवर्धनि सरसुते हरि शतकण्ठ विकण्ठतरुण्डनि कुण्डतुण्डकदाधिपते त्रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम चण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित कण्ड विपातित मुण्डपदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्भक मर्दन चरसुते हरि रण दुर्मर शत्रुपदोदित दुर्मर निर्जर चक्रुते चतुर विचार दुरेण महाशिव दूत शिरोधि शिरोधि कृतामल चूल करे भूमि दुमृतामर दुम्भुविनादमहोम करे कृतिगमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकवर्दनि शोणसुते हरि निजोन्मृतिमातनि राकृत दोम्रविलोचन दोम्रजते सपर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते
Jaya Jaya Mahishasura Mardhini Ram
क्षमा प्रार्थना अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि प्रियं ते हरणि समया दासोऽयं मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। Yeah.
मेरे प्रिय बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजननी जगत माता का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ को नमस्कार करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, वह निरोगी जीवन जीते हुए इस लोक में स्वसुखों का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। जय माँ भगवती, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली ही, और जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, निश्चित रूप से इस माँ देवी की इस आदि शक्ति की उन पर कृपा होती है और भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन भक्तों की मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है, वह जो भी उनके संकल्प होते हैं माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन संकल्पों में उन कार्यों में उन्हें सफलता मिलती है और सर्वत्र जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबारी। महर्षि व्यास जी राय जन्मे जी को कहते हैं कि राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपना वृद्धि चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, आपकी जीवन यात्रा ठीक चलती रहे, आपके जीवन को विघ्न बाधा ना आए, तो माँ भगवती अम्बा को, माँ जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए, यज्ञ कीजिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की आराधना कीजिए, माँ के नाम का जप कीजिए, तो राजन वह भगवती आदिशक्ति जो है वह प्रसन्न होकर के जो है सब कार्यों को सिद्ध करती है और जीवन जो सुखी बने रहता है। जब माँ भगवती आदिशक्ति हर स्थान पर अंग संग जो है ये भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा सब ओर से कल्याण को देने वाली है, सुख को देने वाली है, कष्ट को दूर करने वाली है, रोग से मुक्ति देने वाली है, निरोगी जीवन देने वाली है, इसलिए कल्याण के मनुष्य को जो है माँ भगवती आदि शक्ति की उपासना माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। देवतागण भी उसी माँ भगवती की आराधना अर्चना पूजा करते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माँ भगवती, आप सभी माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आप अपने भक्तों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तो जी माँ भगवती जो है इसकी जिन पर कृपा हो जाती है उन्हीं भक्तों के संसार में यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है, उनके यश में उनके मान उनके कीर्ति में कभी कोई काला धब्बा नहीं लगता। जिन पर माँ की कृपा होती है, माँ की कृपा होती है ये भगवती उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन भक्तों की माँ की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उनका सर्वत्र जो है मंगल ही मंगल होता है। व्यास जी राज जन्मी जी को जो बतलाते हैं उस सूर्य जी जो सोनका ऋषि को बतला रहे हैं कि इस प्रकार से व्यास जी ने जब जो है राज जन्मी जी को जो कहा कि आप माँ अम्बा को प्रसन्न कीजिए, तब जो है वह पूछते हैं कि कैसे, कि वास्तव में किस देवता की आराधना करनी चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक बार जो है व्यास जी कहते हैं मैं तीर्थाटन कर रहा था, तीर्थ करते करते जो है नैमि शरण में जा पहुंचा और वहां पर जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्म ऋषि वहां पर विराजमान थे, सभा लगी थी, सत्संग हो रहा था, कथा प्रारंभ हो रही थी, मैंने देखा
तो मैं भी उन ऋषियों में जाकर के बैठ के बोलो सच्चे दरबार की जय। मुझे वहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन संतों के सत्संग में। कहते उन ऋषियों में जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि जो परशुराम के पिता हुए, ऐसे में ऋषि जो है उस समय में खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि किस देवता की आराधना करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कार्तिकेय वरुण इंद्र, किस देवता की आराधना करनी चाहिए जिससे जो है भक्तों के जो है उनकी मनोलक्ष्य कामना पूर्ण हो, वह जो चाहते हो उन्हें प्राप्त हो सके, वह कल्याण को देख सके, ऐसी कौन देव है जिसकी आराधना करने से जो है वो शीघ्र जो है देव कृपा होती है। तो कहते हैं कौन ऋषि में जब जो है जब दग्नि ने प्रश्न किया तो उन्हें ऋषि में विराजमान जो है लोमस ऋषि। लोमर ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि उससे पांव से लेकर सिर तक बाल ही बाल है, लोम बाल को कहते हैं। और कहते हैं जब एक शिष्य का एक कल भीतर है एक बाल जो है उनका नीचे गिरता है, जब पूरे बाल जो है उनके नीचे गिरेंगे तब उनका जीवन जस समाप्त होगा, इतनी उनकी आयु है। तो भी उस ऋषि ने लोमस ऋषि ने अपने लिए जो है कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया। जब उन्हें पूछा गया कि आप जो है इस प्रकार से आप कहीं अपना स्थान क्यों नहीं बनाते, तो उन्हें ये उत्तर दिया कि जीवन क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए, इसलिए जो नाशवान है, जो शरीर जो नाशवान है तो इसलिए क्यों, तो जीवन भर कभी कोई संग्रह किया ही नहीं, किसी प्रकार का लोभ था ही नहीं, केवल मात्र जो है इस मां भगवती की साधना शक्ति के पास थे, ऐसे जो ऋषि जो हैं। उन्होंने कहा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। लोम ऋषि जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुगत चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक जो है मां जगदम्बा को, मां भगवती आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। मां प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी रहती नहीं, और कभी जो साधक का अनिष्ट नहीं होता, उसकी कीर्ति जो अटल बनी रहती है, कभी उसकी कीर्ति में कोई काला धब्बा नहीं लगता। जिन पर मां भगवती आदि शक्ति कृपा हो जाती है, जिन पर भगवती प्रसन्न हो जाती है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए, उनको जाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उसकी आराधना अर्चना पूजा करनी चाहिए, मां जो है बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। लोग ऋषि जी कहते हैं कि मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं किस प्रकार से देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण जो था, कैसे उसने सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने जो है देवदत्त नाम ब्राह्मण था, कौशल देश में रहता था, सब प्रकार के सुख थे, वेद पाठी था, शास्त्रों का ज्ञान था, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु जो है उनके संतान सुख नहीं था, संतान नहीं थी, इसलिए वे दुखी थे। मन में इच्छा हुई मेरे घर में संतान और संतान सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए मैं यज्ञ करूं। विद्वान तो था ही और जो है यज्ञ की समस्त विधियों को भी वह जानता था, यज्ञ का आयोजन किया और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वहां पर बुलाएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, अब जो है यज्ञ में पाठ हो रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, जप हो रहा है, हवन हो रहा है, इस प्रकार से यज्ञ का प्रारंभ हुआ। और यज्ञ में जो है गोवल ऋषि बस साम वेद का पाठ कर रहे थे और बार बार जो है श्वास लेने से उनका स्वर टूट गया। जैसे स्वर टूटा, स्वरहीन पाठ हुआ, तो देवदत्त ब्राह्मण ने उसको जो है टोक दिया और मूर्ख कह दिया कि मैं जो है पुत्र से यज्ञ कर रहा हूं और मेरे इस यज्ञ में आप जो स्वरहीन पाठ कर रहे हो,
आप मूर्ख हैं। तब जो है कहते हैं कि ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ कि आपने मुझे मूर्ख कह दी है, इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े बड़े द्वारों में। मैं भेद पाठी ब्राह्मण हूं और भेद को भली प्रकार से जानता हूं। बार बार श्वास लेने से मेरा स्वर टूटा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि श्वास का तो भरोसा नहीं। ऊपर नीचे श्वास लेते हुए कब कहां पर इसकी समाप्ति हो जाए इसका पता नहीं। श्वास किसी के हाथ में नहीं है और बार बार श्वास लेने से मेरा स्वर टूटा है, इसलिए इसमें मेरा दोष नहीं। और आपने मुझे मूर्ख कह दिया है, मेरा अपमान किया है। कहते हैं कि ऋषि बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के देवदत्त ब्राह्मण को उसने शाप दे दिया कि आपने मुझे मूर्ख कहा है, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरे घर में संतान होगी, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु महामूर्ख होगा। शाप दे दिया। अब जो है देवदत्त ब्राह्मण जो था बड़ा दुखी हो गया। एक तो संतान थी नहीं, पहले दुखी था, पुत्र यज्ञ कर रहा हूं और ऊपर से शाप मिल गया ऋषि का कि संतान होगी परंतु महामूर्ख होगी। इसलिए कहते कभी किसी बड़ों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, कभी अपने बड़े बुजुर्ग का भी अपमान मत कीजिए। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, जीवन में ध्यान रखना। आशीर्वाद तब मिलता है चाहे वह घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप प्रसन्न रखते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी सेवा करते हो, कहो साधु संत महात्मा है। आप पर जिस दिन वह प्रसन्न हो जाएंगे तो समझो ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र, कभी जीवन में कोई दुख कष्ट आएंगे नहीं। आशीर्वाद देने वाला जब प्रसन्न होता है, हृदय से आशीर्वाद जब निकलता है, इसलिए कहते हैं माँ को बार बार भक्त जन जो माँ के दरबार में आते हैं, बार बार माँ से प्रार्थना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, जप करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, भजनों के द्वारा माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। कहीं हमसे कोई अपराध हुआ, कोई पाप हुआ, माँ हमें क्षमा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए। इस प्रकार जब शरणागत होकर के साधक उसे प्रसन्न करता है तो माँ जिस दिन प्रसन्न हो जाए फिर तो जीवन किसी प्रकार की कमी, क्योंकि वह बस जो है सदा सर्वदा जब तक जो सूर्य चंद्रमा गतिमान रहते हैं तब तक उनका वंश जो है वह सृष्टि पर जो है धर्म के मार्ग पर चलता, धर्म कुल कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, जिन पर जो मां प्रसन्न हो जाती है। तब जो है देवदत्त ब्राह्मण ने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया, महाराज मुझसे अपराध हो गया है, क्षमा प्रार्थना की, अपराध हुआ है, मैं तो पहले दुखी था और आपने ऐसे जो है मुझे जी शाप दे दिया कि आपके घर संतान जो है मां मूर्ख होगी। महाराज पुत्र ना हो तो अच्छा है परंतु मूर्ख संतान अच्छी नहीं होती, जीवन भर मुझे दुख देती रहेगी, ये दुख ठीक था नहीं थी संतान, इतना था कि नहीं हुई नहीं, परंतु संतान होकर के महामूर्ख हो जाए और जीवन मुझे दुख दे तो जो है इसलिए मूर्ख संतान ना हो वो अच्छी है। महाराज मैं बड़ा दुखी, संतों का क्रोध है, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। कहते हैं वह देवदत्त ब्राह्मण रो पड़ा, अपने आंसू से ऋषि के चरण धो डाले। तब उन्होंने कहा, ऋषि प्रसन्न हुए, उसने कहा जो मैंने शाप दे दिए है ये तो फलीभूत होगा, संतान होगी, संतान होकर के मां मूर्ख होगी, परंतु मैं तुझे वरदान देता हूं कि आपकी संतान महामूर्ख होकर के महाविद्वान हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये आशीर्वाद होते हैं, ऐसा वरदान भी दे दिया कि महामूर्ख होकर के ही महाविद्वान हो जाएगी। और जो यज्ञ समाप्त हुई, सबको जो है देवदत्त ने जो है प्रसन्न किया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया, सभी संत जो है अपने अपने स्थान को, गंतव्य स्थल को चले गए। कालांतर के समय के उपरांत जो है वह यज्ञ का फल उन्हें मिला, उनके घर पुत्र हुआ, घर में खुशियां आई, संतान सुख की प्राप्ति हुई। अब बालक का जो है उपनयन संस्कार हुआ, जगविवेश संस्कार हुआ, वेद पाठ की विधि प्रारंभ हुई। कहते हैं कि देवदत्त जो है उसका नाम जो उन्होंने उत्तथ्य रखा, उत्तथ्य जो है 12 वर्ष तक जो है वह ज्ञान प्राप्त करता रहा परंतु एक शब्द भी वह सीख नहीं पाया। जब उनको सिखाते और फिर उसे पूछते
तो तुरंत उसी क्षण जो है वह भूल जाता, स्मरण रहते ही नहीं एक भी शब्द। जहां तक कहते हैं कि गायत्री मंत्र तक वह याद नहीं कर पाया, 12 वर्ष तक पिता जो है प्रयत्न करता रहा, उसको सिखाता रहा। अब जो है सब ने देखा कि जो शाम मिला हुआ है, जो तो बालक महामूर्ख है, उसको मूर्ख कह करके सब पुकारते थे। अब देखते हैं बच्चे का कोई किसी में कोई कमी होती है तो उसका उपवास करते हैं, जहां पर जैसे उसको मूर्ख करके पुकारते हैं, मूर्ख इधर आ, ये मूर्ख उधर जा, जा। मजाक लेते हैं। जहां तक माता पिता दुखी हो गए कि पुत्र जो मूर्ख ना होता है, अच्छा था पुत्र ना होता तो ठीक था, मूर्ख पुत्र ठीक नहीं। तो सब मूर्ख मूर्ख कहते हैं, आधा उत्तर थे जो बड़ा दुखी हुआ, सब मेरा मजाक लेते हैं, मुझे कुछ ध्यान कुछ याद रहता नहीं, मैं क्या करूं कहां जाऊं। कहते हैं माता पिता के पास आया और आकर के उन्होंने कहा कि मैं जो है घर गृहस्थ का त्याग कर कर जा रहा हूं। माता पिता ने कहा कि ठीक है जाओ, तो पंगु होता लंगड़ा होता अंधा होता तो भी ठीक था, लेकिन मूर्ख पुत्र ठीक नहीं। अब माता पिता ने भी परित्याग कर दिया, अब जो है वह अपने उस नगर से निकल पड़ा, कौशल देश से निकला और चलते चलते कहते गंगा तट के किनारे चला गया, वहां जाकर के स्नान किया, कोई विधि विधान जानता नहीं, और संकल्प लिया कि जीवन कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। आता जाता कुछ था नहीं, और वहीं पास में ही वन में जो है गंगा तट के किनारे ही एक घास की कुटिया बना ली, वहीं पर वह कालक्षेप करने लगा, क्योंकि कुछ आता जाता नहीं था, कैसे ध्यान करना कैसे जप करना है कोई मंत्र भी नहीं आता था। तो जब भूख लगती वन में चला जाता, कंदमूल जो कोई फल मिलता वन से उससे अपनी उधर पूर्ति कर लेता, और वहीं पर जो है वह बैठा रहता। कहते इस प्रकार से एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि इतने ऋषि मुनियों के बालक हैं, सब जब वेद पाठ जानते हैं पाठ करते हैं, और इस प्रकार से सबका संसार में यश है मान है कीर्ति है, परंतु मेरा जन्म जो एक ब्राह्मण कुल में हुआ, अच्छे कुल में जन्म हुआ, और मैं मूर्ख रहा, अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म के अच्छा कर्म नहीं किया है, किसी को दुख दिया होगा इस जन्म में आकर के मुझे भी दुख मिला, कभी कोई विद्या दान नहीं किया होगा इसलिए मुझे अब इस जन्म में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। यदि मरना निश्चित है, क्योंकि जन्म है तो मरण में निश्चित है, मैं कौन अपने जो जीवन समाप्त कर लो आत्महत्या कर लो। फिर कहता नहीं नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या भी पाप है, क्योंकि मेरे जो कर्म है वह मुझे भोगने हैं, चाहे कहीं भी चला जाऊंगा, इसलिए जो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आज बुद्धि काम कर रही है, गंगा तट के किनारे बैठे बैठे प्रदेश स्नान करता था, निजम लिया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, एक निजम ऐसे होते हैं जब जीवन में व्यक्ति को निजम ले लेता है, मैं सत्य बोलूंगा, मैं जीवन में किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा, कोई एक संकल्प ले ले उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज उसकी बुद्धि काम कर रही है कि मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए जो पाप है, मेरा ही कसूर है, मेरा ही दोष है, मेरे ही पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म नहीं है, बुरे कर्म थे, मैंने दूसरों का बुरा किया होगा, किसी को दुख दिया होगा इस जन्म मुझे दुख मिला है, किसी को ज्ञान नहीं दिया होगा, किसी को कोई पुस्तक दान की होगी, किसी को विद्या दान किया होगा, इसलिए जन्म में मैं मूर्ख रहा और ज्ञानहीन रहा, मुझे विद्या की प्राप्ति हुई नहीं। ऐसा विचार कर रहा था अपनी कुटी के बाहर बैठा हुआ, उसी समय कहते हैं एक शिकारी जो है उसने एक हिरण को जो है तीर मारा, और हिरण जो है घबराए और भागता हुआ जो है उस आश्रम की ओर से है बड़ी तेजी से, जैसे उसके आगे से निकला खून से लथपथ था, और मैं एकदम घबराया, घबरा करके मुझे खड़ा हो गया, ए क्या है, कोई अनहोनी घटना होती है सामने, एकदम कोई ना कोई शब्द मुख से निकल जाता है, ए वहा कुछ तो ए, एम जो है जो माता महा सरस्वती का वाग बीज है, ए तो ए स्वरहीन ही से ये शब्द का उच्चारण हुआ, तो ए ऐसा हुआ, ऐसा होते ही कहते हैं महा सरस्वती उस पर प्रसन्न हो गई, हिरण पीछे जाकर छिप गया झाड़ियों में जो है, और वह भैंस जो था शिकारी अब जो है हाथ में अपना धनुष बाण लिए हुए वह वहां पर आ पहुंचा, देखा ये तो सत्य व्रत है,
वहां की जनता उसको सत्यव्रत कहती थी। माता पिता ने उसका नाम जो है उत्तथ्य रखा था और वहां की जनता ने नाम उसका सत्यव्रत रखा, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलता था। ऐसा वह सत्यव्रत जो था उसको जब उन्होंने देखा, जे तो झूठ नहीं बोलता सत्य बोलता, उसने बोला महाराज मैंने अभी हिरण को एक तीर मारा है, इस ओर से भागा है, आपने देखा होगा मैं किस ओर गया है, अब देखो तो है। लेकिन सत्य बोलता है तो उसके प्राण जाते हैं और झूठ बोलते हैं तो जो सत्य वचन जो है उसने जो की जो प्रतिज्ञा की हुई है ये जो है वह मिथ्या हो जाती है। अब करे तो करे क्या, ब्याज जो बार बार पूछ रहा है महाराज आपने देखा बतलाइए मुझे, तो उससे कहता विचार करने लगा देखा कि नहीं देखा, देखा जी बोलता हूं तो जीव हत्या होती है, बस सत्य नहीं है जिसमें हिंसा हो। जीव एक ज्ञान की बात है, जब हम धर्म का निर्णय करते हैं उचित के अनुचित है तो वह सत्य सत्य नहीं जिसमें हिंसा है, इसलिए ऐसा भी नहीं बोल सकता। और इस प्रकार से झूठ जो है कहते हैं कि जिसमें जीव की रक्षा होती हो, जीव का भला होता हो, और वहां पर यदि आपको झूठ बोलना पड़ता है तो वह भी सत्य है। तो जहां पर जीव का जो है जीवन है, क्योंकि यदि सत्य बोलता है उसको मार देता है, अब कैसे निर्णय करा, ऐसे धर्म संकट में पड़ गया कि करूं तो करूं क्या, तब जो है कहते हैं कि बुद्धि ने काम किया और उससे मां की इतनी कृपा हो गई, कहते हैं कि ऐसे उससे ये शब्द उच्चारण हुआ और कहते कि पूर्व जन्म की विद्या सबके सब कुछ मन हो गई। जैसे पूर्व जन्म में वाल्मीकि ऋषि जी हुए हैं जिन्होंने कहें कहीं कोई पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऋषियों का यह आशीर्वाद मिला तब किया, तब करते करते जो इस प्रकार से इतने ज्ञानी हो गए जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। ऐसे इनको पूर्व ज्ञान जो प्राप्त हुआ और जो है उस समय मां की कृपा से इन्होंने उस व्यास से कहा कि व्यास जा पश्यति सान भूते, जा भूते सान पश्यति वो व्यासो कार्यार्थे किम पृष्यसि पुनः पुनः, जा पश्यति न सब भूते, देखती आंखें और वह बोलती नहीं, जिन्होंने देखा है वह बोलती नहीं है कि आपको बतलाएं कि हिरण इधर गया है। जा पश्यति सान भूते, जो देखती है वह बोलती नहीं, जा भूते सान पश्यति, जो बोलती है जिब्बा उसने देखा नहीं। वो भ्याद सो कार्यार्थे किम प्रश्यसि पुनः पुनः, है भ्याद अपना कार्य सिद्ध करने क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे हो। जैसे उसने ऐसा कहा तो भ्याद जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। अब इतने ज्ञान का भंडार उसके अंदर जो प्रकट हुआ है, कहते फिर तो उसने भली प्रकार से मां भगवती के माया बीज द्वारा जो है मंत्र के द्वारा पूर्ण मंत्र से मां भगवती की साधना की, तप किया और अब सर्वत्र जो है सब जो है उससे जितना कोई ज्ञानी नहीं था इतना वह कभी हुआ और जो है सब ऋषि मुनि उसकी प्रशंसा करने लगे, ये तो महाविद्वान हो गया। माता पिता को पता चला कि हमारा पुत्र तो महाविद्वान हो गया है, उसके बड़े ऋषि मुनि जो है मान सम्मान करते हैं, तो माता पिता भी वहां पर आए, आकर के बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र से कहने लगे कि आप चलिए। ऋषि का शाप वरदान भी फलीभूत हुआ, पहले ही शाप और फिर जो है वरदान, तो इसलिए कैसे हुआ ये देवी की कृपा से। यहां लोमस जी ये कथा बतला रहे हैं और इधर ब्याज जी राय जन्म जी को समझा रहे हैं कि मां भगवती जिन पर प्रसन्न हो जाती है उन्हीं का जीवन में यश जो है उनकी कीर्ति जो है अटल बनी रहती है, वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, वह भगवती उन्हें ऐसा ज्ञान देती है। ज्ञान के दृष्टांत देवी मां सरस्वती और लक्ष्मी के दृष्टांत देवी जो है भगवती महालक्ष्मी धन लक्ष्मी की दृष्टांत देवी और निरोगी जीवन देने वाली माता महाकाली, ऐसी जो तीन शक्ति जो है
जिस गुफा के अंदर तीन शक्ति गुरु विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सही माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का भजन करते हैं, इस प्रकार माँ की स्तुति करते हैं। तो भगवती आदिशक्ति महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती आप भक्तों पर, ये तीनों माताएं प्रसन्न होकर के आपको वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें और आपकी जो भी मनोकामना है मैं भगवती आपकी सभी समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करे, आपका सर्वत्र कल्याण करे, आपका मंगल करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करा श्री जयपाल से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जय कर हाल सुनामा दाती कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया दर के आमा हाल सुनामा दाती कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर सभी हाथ खलखल गए, ढीले ताले नहीं, ताले की आवाज माँ के दरबार तक पहुंची। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिया भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। Oh,
तेरे हो जन मैया की दर्शन तेरे दिल विच सोचा रैंदिया मैं दिल विच सोचा रैंदिया हो जन मैया की दर्शन तेरे दिल विच जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय कर लो अनुभव माँ के प्यार का कर लो अनुभव माँ के प्यार शरण आओ कर लो अनु
सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर मांगे ना सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर मांगे किरण को हृदय में भर कर कर लो आनन दिव्य लला माँ की किरण को हृदय में भर कर कर लो आनन दिव्य लला महामिलन की मंगल बेला महामिलन की अपना कह वो बुला रही अपना कह वो बुला रही वो करुणा मई दया की सागर देह में सबको समारही देह में सबको समारही सफल करो और पाओ सफलता सफल करो और पाओ सफलता जीवन सफल बना रही हर जीवन सफल बना रही वो करुणा मई दया की सागर देह में सबको कृपा का पान करो
रत्न अनोखे लुटा रही, रत्न अनोखे लुटा रही, वो करुणा मई दया की सागर दे हमें सबको दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशवंत जी। जयकार शरवली बोल सच्चे दरबार की जय। जब जीवन में उलझन हो सूझे ना राह तुझे ध्यान लगा जगदम्बे का वही करेगी पार तुझे वही करेगी पार पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर सब बंदे सब छोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे कुछ भी बिगड़ न पाएगा लेकिन तेरा कुछ भी बिगड़ न पाएगा कैसी भी मुश्किल हो समय कट जाएगा लेकिन तेरा कुछ भी बिगड़ न पाएगा
लेकिन तेरा कुछ भी न बिगड़ न पाएगा, लेकिन तेरा कुछ भी न बिगड़ न पाएगा। हर चिंता तू मैया पर ही छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। हर चिंता तू मैया पर ही छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। रोम रोम मैं बसा ले मैया का, कष्ट मिटे जब मिले सहारा का। कष्ट मिले जब मिले सहारा मैया का, कष्ट मिले जब मिले सहारा मैया का। रोम रोम में नाम बसा ले मैया का, कष्ट मिले जब मिले सहारा मैया का। कष्ट मिटे जब मिले सहारा मैया का, कष्ट मिटे जब मिले सहारा मैया का। पर मोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। जीवन अपना माँ के दर पर मोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा दुनिया में, कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में। कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में, कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा दुनिया में, कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में। कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में, कैसा कैसा खेल है देखा दुनिया में। बस एक माँ का नाम है बाकी छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। बस एक माँ का नाम है बाकी छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। माँ की कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे, सांस सांस माँ के चरणों से जोड़ दे। सांस
जगों से जोड़ दे जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़ से भ्रमित गगने दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्त दिभ्यां भ्र कणकमयं पुस्तकं जानगम्य सभिना भदंत स्वकर कृजपि शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडंत दिभ्रूपा कर कमलधरा हरति सुप्रसन्ना ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सो संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज छह प्रविष्टि ही माघ शुक्ल पक्ष आज चतुर्दशी तिथि ही सोमवार तदनुसार 18 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्त जनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी ये माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं जिसमें की भगवती विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणफल होता है। फिर माँ की कृपा से इस प्रकार से इस शक्ति पिपरा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ की सर्वदा इसी तरह से भक्तों पर कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव शर्मांज सस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैर दर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरत है सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम भवपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी कौन सजन धावत मैया जी कौन सजन धावत हरे ब्रह्मा शिव Oh,
Jai Mata Di, 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 Jai Mata Di,
करेंगे समर्थ के बोलना ओ देहि सौभाग्य आरोग्य देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मा भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रत्नी गुरु जी को वंदना द्वितीय आदि गणे द्वितीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मे आत पहल जो सतगरी जो चरणा का ध्यान जय मां। Thank you.
खड़गम चक्रगरेशुदापवेदान चोलं भजन्निं चिराचंगं चंदररिं करेति नैनं सर्वांगभूषाभिधां नीला शुमज्जदिमात्रपादरचिकां देवे महाकालिकां जामस्तो सविदेहगौ कमलजं हन्तं मधुकेतवं अक्षां सर्पवृषं हरेशुपुरुषं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहधर्मजलजं घण्टां सुरावाजं शूलं पादसुदर्शनेकदलते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि सङ्गमसुरे चक्रं धनुसायकं रक्षाजयसरथिं कलान्तर्यशीतासुदल्याप्रमां दोरीदेहसमस्तभाञ्जगता आधारभूतामः पूर्वा पत्रसरस्वतीमनुभवे कुम्भादिव्यत्यायिनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जननं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमलाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिविद्यानभञ्जं वन्दे विष्णुं भवेहं सर्वलोकेकनाथं वसितं विश्वं यमुनाधारिणं कृष्णामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं कपिलावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुदगे दुलारे गोविन्द गोपालमकं ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यापदे भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता बाली माता देवी सदा पञ्चभूला रामी माता देवी सदा सर्वदा बला चन्द्रमाली माता देवी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता देवी सदा खुला चुका माफ करने वाली माता देवी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता देवी सदा लंकरा भी थागो तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव शिवर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय भक्ति जीवन प्रियम भक्ति जगदम व्याधेवी परिपूर्ण रस तुम्हें जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरण वाली Thank you.
नमस्ते नमस्ते नमो नमः